द क्वेश्चन गिवन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ 3π/n प्लस साइन ऑफ पाई बाई 5π/n अप टू एन टर्म्स इज इक्वल टू. तो हमें गिवन है साइन ऑफ पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ 3π/n प्लस साइन ऑफ 5π/n अप टू साइन ऑफ 2n-1 इंटू पाई बाई एन. तो अगर हम इसको टर्म्स में सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ 2n-1 पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ 3π/n प्लस साइन ऑफ 2n-3π/n अप टू हमारे पास एक टर्म साइन पाई एज इट इज़ रह जाएगा. अब अगर हम देखें इसको ऐड करते हैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के तो हमें मिलेगा ट्वाइस साइन ऑफ 2n-1 पाई बाई एन प्लस पाई बाई एन बाई टू प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 3π/n प्लस 2n-3π/n बाई टू. सॉरी हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है इधर. हमने इधर कॉस का भी एक टर्म होता है हमने वो हम वो लिखना भूल गए हैं. तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस ऑफ 2n-1 पाई बाई एन माइनस ऑफ पाई बाई एन बाई टू प्लस टू साइन ऑफ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2n-3 पाई बाई एन प्लस 3π/n बाई टू इन टू कॉस ऑफ 2n-3π/n माइनस 3π/n बाई टू अप टू प्लस साइन पाई. ये साइन पाई कैसे है क्योंकि एक टर्म बच जाएगा जो होगा साइन ऑफ 2n π/n इन टू टू वाला टर्म. तो ये कितना होता है साइन पाई के इक्वल. अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें तो मिलेगा ट्वाइस साइन ऑफ ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2n π/2n इन टू कॉस ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस ऑफ 2π/n 2π/n होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 2n π/2n इन टू कॉस ऑफ ये आ जाएगा 2n सॉरी यहाँ पे भी हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी 2π भी होगा तो ये हो जाएगा 2π-6π/2n होल डिवाइडेड बाई 2 अप टू साइन पाई. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लेके तो ये हो जाएगा 2 sin π cos π-π/n प्लस 2 sin π cos π-3π/2n अप टू साइन पाई और साइन पाई की वैल्यू होती है 0 तो ये जगह 0 + 0 + 0 अप टू 0 दैट इज़ 0. तो हमारा आंसर है 0. अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर.